विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार ने पेसा कानून लागू करने की बात कह राज्य में नई बहस छेड़ दी है। राज्यपाल ने सीएम हेमंत की मौजूदगी में कहा कि बाकी राज्यों के अनुसूचित जिलों में पेसा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में नहीं। हालांकि गवर्नर संतोष गंगवार अकेले व्यक्ति नहीं जिन्होंने पेसा कानून लागू करने की मांग की। इसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय व पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी कई बार पेसा कानून लागू करने की मांग सदन में कर चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा कि पेसा कानून लागू नहीं होने से झारखंड के आदिवासियों की जमीनें खतरे में हैं, जल और जंगल पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं। मुझे लगता है कि इतना ब्रीफ करने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि पेसा कानून क्या है। नहीं समझे तो हम बताते हैं। पेसा कानून को आधिकारिक तौर पर पंचायत उपबंध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के नाम से जाना जाता है। संविधान के भाग 9 में दिए गए प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देने या लागू करने के लिए दिसंबर 1996 में यह कानून लाया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची में कई विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों की कई मामलों में सुरक्षा और संरक्षण देते हैं। अनुसूचित क्षेत्र माने ऐसा इलाका जहां जनजातीय और आदिम जनजाति समुदाय के लोग रहते हों। आजादी के बाद सरकार के सामने ये सवाल आया कि जनजाति और आदिम जनजाति समुदाय की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, और इसलिए संविधान में एक एक कर कई प्रावधान किए गए। यदि पेसा कानून को बहुत आसान भाषा में समझना हो तो इसे ये भी कहा जा सकता है कि एक ऐसा कानून जिसके जरिए आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन पर अधिकार सुरक्षित किया जा सके। कानून जिसके जरिए आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, भाषा और परिवेश का संरक्षण किया जा सके। कानून जो बाहरी हस्तक्षेप से आदिवासियों के इकोसिस्टम को बचाए, और तभी हो सकेगा जबकि आदिवासी कानूनी और सामाजिक रूप से अपने फैसले खुद कर सके। आदिवासी तय कर सके कि उनके लिए क्या जरूरी है, अच्छा है और क्या लाभकारी है। कुल मिलाकर पेसा कानून आदिवासी इलाकों में उनकी मरती पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को दोबारा जीवंत करने का प्रयास है। हम जानते हैं कि आदिवासियों से आशय वैसे समुदाय से है जो दुनिया में सबसे पुराने हैं, और यदि सबसे पुराने हैं तो उनका अपना सिस्टम भी होगा जिसे पारंपरिक स्वशासन प्रणाली कहते हैं। यहां ग्राम सभा से ही पूरा समुदाय नियंत्रित होता है। भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ। 1992 में 72वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। हालांकि इसके बाद भी आदिवासी इलाकों में अलग व्यवस्था की मांग उठती रही, क्योंकि उनकी जीवन शैली, परंपरा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक तौर तरीका बाकी दुनिया से अलहदा था, अलग। और इसलिए भी दिसंबर 1996 में पेसा कानून लाया गया। पेसा कानून आदिवासी इलाकों में लोगों को पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से खुद पर शासन करने का अधिकार देता है। झारखंड के संदर्भ में समझें तो यहां मांझी, मुंडा, मानकी और पाहन जैसे पारंपरिक प्रधान ही स्थानीय स्वशासन के मुखिया होंगे। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। माने यदि आदिवासी इलाके में किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण करना हो तो ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। ग्राम सभा के परमिशन के बिना आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते। लघु वन उत्पाद पर आदिवासियों का अधिकार होगा। ग्राम सभा के स्थानीय बाजार प्रबंधन होगा। ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में नशीले पदार्थों का उत्पादन, वितरण और बिक्री रोकने के लिए कानून बना सकेगी। कोई भी सरकारी योजना लागू करने के लिए ग्राम पंचायत को पहले ग्राम सभा को भरोसे में लेना होगा, बताना होगा कि ये कैसे वहां की आदिवासी आबादी के लिए लाभकारी है। मंजूरी मिलेगी तो योजना लागू होगी। झारखंड में पेसा कानून की मांग क्यों होती रही है, जरा इसको भी अब समझते हैं। झारखंड आदिवासी बहुल आबादी वाला राज्य है। यहाँ 32 प्रकार की जनजातियां रहती हैं। संताल, हो, मुंडा, उरांव, असुर, बिरजिया और पहाड़ियां जैसे कई जनजाति समुदाय हैं। सभी जनजातियों की अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। अधिकांश जनजातियां आजीविका के लिए जंगल से मिलने वाले उत्पादों पर निर्भर हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में 26.2% जनजाति आबादी। झारखंड का गठन ही
आदिवासी संरक्षण के मुद्दे पर हुआ था। झारखंड की 81 में से 28 विधानसभा की सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है, ट्राइबल सीटें, लेकिन यहां अब तक पेसा कानून लागू नहीं हो सका है। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, यानी कि सत्ताधारी दल ने, 2019 के चुनावी मैनिफेस्टो में इसका वादा भी किया था। इसी को आधार बनाकर लोबिन हेम्ब्रम सहित अन्य लोग सरकार पर पेसा कानून के मसले पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। मौजूदा समय में जबकि पूरे झारखंड में जमीनों के अवैध तरीके से खरीद फरोख्त के मामले सामने आ रहे हैं, धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा किया जा रहा है, तब राज्यपाल का पेसा कानून लागू करने की बात कहना निश्चित तौर पर बड़ी बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के समय में जून 2024 को पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, जिसमें कई प्रावधान किए गए। कानून में कहा गया कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मान की मुंडा पाहन या मांझी जैसे पारंपरिक प्रधान ही करेंगे। ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। आदिवासी जमीन की खरीद फरोख्त के लिए भी ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी। यदि अनुसूचित क्षेत्र से पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 48 घंटे के अंदर अंदर ग्राम सभा को सूचित करना होगा। ग्राम सभा आदिवासी जमीन वापस ले सकती है। ग्राम सभा में अन्य कोष, श्रम कोष और नकद कोष का गठन किया जाएगा। दान, प्रोत्साहन राशि, दंड शुल्क, वन उपज, रॉयल्टी, तालाब, बाजार और सैराट से मिलने वाली राशि कोष में जमा होगी। ग्राम सभा अपने पास अधिकतम 10,000 रुपए तक की राशि रख सकती है, बाकी पैसा बैंक में जमा करना होगा। नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, इसे कैबिनेट से स्वीकृति के बाद कानूनी रूप देने का काम करना है, यानी ये काम अभी आगे बढ़ना था लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ पेसा कानून लागू किया है, लेकिन झारखंड में भी पेसा कानून लागू नहीं किया जा सका है। यहाँ अक्सर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच टकराव की स्थिति बनती है। कई बार आदिवासी इलाके में जनजातीय आबादी की सरकार के साथ टकराव की स्थिति बन जाती है। कई बार झारखंड के अनुसूचित इलाकों में लोग परंपरागत स्थानीय स्वशासन को अपने तरीके से लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। ये प्रशासनिक ढांचे के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे के लिए ठीक कतई नहीं। जरूरी है कि संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से पेसा कानून लागू हो, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन सहित बाकी वो सभी अधिकार सुरक्षित हो जिसका वादा सरकार करती आई। द फोर्थ पिलर के आज के इस वीडियो में हमने पेसा कानून पर विशेष तौर पर बहुत ही विस्तार से बातचीत की। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को विस्तार से पेसा कानून के बारे में सभी पहलुओं की जानकारी हुई होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो इस वीडियो में फिलहाल नहीं है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और हमारे साथ साथ आप हमारे आम दर्शकों के लिए भी अपनी जानकारी, अपने विचार पेसा कानून को लेकर दर्ज करा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर नीचे ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं और आप चाहते हैं कि किसी विषय पर द फोर्थ पिलर विस्तार से वीडियो बनाए उसके हर डायमेंशंस पर, तो आप हमें विषय लिखकर कमेंट में भी नीचे बता सकते हैं, हम उस पर भी विस्तार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।